दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिसमें मैंने बताया था कि ऑफलाइन के जो गिफ्ट वाउचर होते हैं वो आप कैसे खरीद सकते हो, खरीदने के बाद में उनसे काफ़ी सस्ते में मिल जाते थे। यानी कि मैंने भी ख़रीदा था तो 300 रुपये का जो गिफ्ट वाउचर था वो 50 रुपये में मिल रहा था, और मैंने बाटा का ख़रीदा था। आपने हो सकता है किसी और ब्रांड का ख़रीदा हो, काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड के 70% 90% के डिस्काउंट में कूपन कोड मिल रहे थे, यानी कि गिफ्ट वाउचर मिल रहे थे उस टाइम पर मैंने भी ख़रीदा था। ऐसे कई सारे ऑफर्स आते रहते हैं ऑफलाइन के। तो ऑफलाइन क्या होता है, अगर आप किसी भी शॉप में जाते हो नियर बाई में, तो उनमें क्या है, जैसे मान के चलो नाइकी में गए, एडिडास में गए, वहाँ पे जाके कुछ भी परचेज किया, तो आप क्या करते हो, कार्ड से पेमेंट करते हो या फिर UPI से पेमेंट करते हो या फिर कैश के थ्रू करते हो। तो वहाँ पे जो ऑफर चल रहे होते हैं 60% 50% या buy 1 get 2 इस टाइप के ऑफर चल रहे होते हैं, वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। साथ ही साथ जो पेमेंट वाले ऑफर होते हैं, यानी कि पेमेंट आपको करना होता है, वो तो आपको पेमेंट करना ही होता है। अगर उसमें आप कोई गिफ्ट वाउचर खरीद लेते हो तो वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है, यानी कि 50% का वहाँ पे चल ही रहा है, 50% के बाद में, यानी कि 1000 रुपये का प्रोडक्ट आपको 500 रुपये में पड़ रहा है वहाँ पे। अगर आपके पास में कोई गिफ्ट वाउचर होगा तो उस जो 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर आप ऑलरेडी खरीदोगे कहीं से, तो वो 500 का 400 का मिल जाएगा, यानी कि 1000 रुपये की शॉपिंग 500 रुपये की पड़ रही है डिस्काउंट लगाने के बाद में। वहाँ पे जो स्टोर का डिस्काउंट है 500 रुपये की पड़ रही है। अब 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर आपने ऑनलाइन खरीद लिया ऑफलाइन स्टोर का ही, जो कि 100 रुपये डिस्काउंट में मिल गया, तो 400 रुपये ही आपको देने पड़ेंगे, ना कि 500 रुपये जो कि वहाँ पे आप लोगों को जाके 500 रुपये देने होते हैं। तो इस तरीके से ऑफलाइन के जो वाउचर होते हैं, गिफ्ट वाउचर, वो ख़रीद लेने चाहिए, ऑनलाइन पे काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। तो मैंने ख़रीदा था, और यही चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि ऑफलाइन स्टोर में जाके जो गिफ्ट वाउचर होते हैं वो कैसे रिडीम करे जाते हैं, यही आप लोगों को करके दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं जाऊंगा, जो 300 रुपये का गिफ्ट वाउचर लिया है वो मेरे नियर बाई में है, 4-5 किलोमीटर है, वहाँ पर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इस कूपन को रिडीम किया जाता है। कूपन या गिफ्ट वाउचर बोल सकते हो, जो ऑफलाइन स्टोर के होते हैं, जिन्हें हम ऑनलाइन यूज़ नहीं कर सकते, ऑफलाइन में ही होंगे, और स्पेशली कुछ स्टोर होती हैं जब हम जो गिफ्ट वाउचर खरीदते हैं तभी वहाँ पर लिखा होता है कि ये कूपन इस वाले स्टोर पे वर्क करेगा या काम करेगा। तो ये चीज़ बस ध्यान रखनी होती है। मैंने जिस स्टोर पे किया है वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, तो वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा और कैसे रिडीम करते हैं, वहाँ पे प्रोसेस क्या रहता है, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आखिर में मैं अपना भी सजेशन दूंगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वीडियो को आखिर तक देखना। ब्लॉग टाइप की वीडियो है, ऐसी वीडियो मैं जनरली रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, नॉर्मल वाली वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन मुझे दिखाना था अपने ऑडियंस को कि अगर आप ऑफलाइन भी शॉपिंग करते हो तो आप लोगों को ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर परचेज करके ही करना चाहिए, ताकि आप लोगों की जो शॉपिंग है वो और भी सस्ती हो सके। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं वहाँ पे स्टोर में, यानी कि मेरे पास में बाइक नहीं है तो मैं किराए से ही जाऊँगा। तो गूगल मैप पे मैंने देखा था बस से 5 रुपये लगेंगे, और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है, 5-7 रुपये लगेंगे, 10 रुपये मान के चलो यहाँ से लगेंगे एक साइड से, और ज़्यादा दूर नहीं है मेरे यहाँ से स्टैंड से जाके, 7 स्टैंड आगे पीछे करके ऐसे करके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे वहाँ का एक्सपीरियंस रहता है, कैसे रिडीम करना होता है एक्चुअली में कूपन। ठीक है, ये हैं अमित भाई, अपने छोटे भाई हैं, तो इनसे भी, इन्हें भी साथ में ले कर चलते हैं, देखते हैं, मतलब एक से वाले दो चले। चलो चलो, जर्नी शुरू। और ये शायद टिकट दिख रही होगी, उल्टी दिख रही होगी, सीधे करके देख लेना, ये 5 रुपये की टिकट है। देखते हैं अभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिर देखते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में अभी हमें ये वाला शोरूम मिल गया है, बाटा का है, और ये ऊपर एड्रेस भी आप लोगों को दिख रहा होगा, उल्टा दिखाई दे रहा होगा ही, क्योंकि ये है ना, मैंने फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइप का ये है। यहाँ पे जाके अंदर जाके पूछूंगा कैसे क्या है और कैसे वो रिडीम होगा, बाकी मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर मेरी बात हुई, वो रिडीम हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें अंदर जाते हैं।
दस पंद्रह मिनट लगे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। मेरा बैग और ऐसा ही पकड़ा दिया, ना तो कोई थैला दिया है ना कुछ दिया है, ऐसे ही पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। जो भी एक्सपीरियंस रहता है कैसा रहा कैसा नहीं रहा सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को कैसे रहा वो। ठीक है घर पे चल गए, अभी हम घर पे चलते हैं जी। तो लौट के आ गए हैं और ये हमारा बॉक्स है बाटा का, इसमें क्या लेके आया हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उससे ये यहाँ पे ये है, इसमें खोलते हैं, ये आप देख रहे होंगे स्लीपर है बाटा की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे क्या है, इनमें MRP पे ये लोग प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो ये आपको दिखेगा कि 300 रुपये की यहाँ पर प्राइस है, 299 रुपीज़ की। और ये 299 रुपीज़ में ही इन लोगों ने दी थी क्योंकि MRP पे ही बेच रहे थे, तो 300 रुपये का वो वाउचर था मेरा, 300 रुपये इसमें यूज़ हो गए थे, कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ा था मुझे। और एक्चुअली मुझे कुछ लेना भी नहीं था, मुझे सिर्फ ये है ये कूपन रिडीम करके देखना था कि ये कूपन रिडीम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो क्या प्रोसीजर रहता है वही मुझे बताना था इस वीडियो में, इसलिए मैं वहाँ पर गया भी था। तो अगर मैं इनको पहन के दिखाऊँ, 6 नंबर साइज़ आता है मेरे, तो 6 नंबर का ही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके का कुछ होगा, इस तरीके का दिखाई देगा आपको, ठीक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों को है ना बैठ के अच्छे से समझाता हूँ, आप लोग समझ पाओगे हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है या फिर मेरे साथ क्या हुआ वो सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को कैसे रिडीम करना होता है। हाँ जी चलो आते हैं फाइनल कैलकुलेशन वाली बात पे, या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अगर कोई भी गिफ्ट वाउचर परचेज करते हो जिस जो कि ऑफलाइन स्टोर में जाके रिडीम करना है आपको, तो वो आपके साथ में कैसा एक्सपीरियंस रह सकता है मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताऊंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी सारे जो गिफ्ट वाउचर होते हैं वो मैंने रिडीम करे हैं, जैसे रिलैक्सो में हो गया, नाइकी में हो गया, सीलियो में हो गया, इस टाइप के कई सारे अलग अलग ब्रांड में जाके मैंने वहाँ पर रिडीम करे हुए हैं। ये बाटा का फर्स्ट टाइम था और थोड़ा दूर था तो मैं यहाँ से गया था, मैंने आप लोगों को पूरी जर्नी दिखाई कैसे मैं वहाँ पे गया था। तो जैसे ही शॉप में अंदर एंटर हुआ, नॉर्मल हर कोई करता है जैसे वेलकम करता है, कोई भी बड़ा ब्रांड होता है वो अच्छे से लोग वहाँ पे जो एम्प्लॉई होते हैं वो अच्छे से आपका वेलकम करेंगे, पूछेंगे आपसे क्या आपको चाहिए, क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, जो लोकल मार्केट होती है बाज़ार वगैरह लगते हैं दिल्ली में ज़्यादातर, वो वहाँ पे सस्ते सामान मिल जाते हैं, लेकिन जो शोरूम होते हैं या फिर बड़े शॉप होते हैं बड़े ब्रांड के वहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं, तो वो लोग हैं ना एम्प्लॉई वहाँ से वो अच्छे से ट्रीट करते हैं ताकि जो पेशेंट जो उनका ग्राहक है वो दोबारा से फिर से आए, इस तरीके से वो बात करते हैं अच्छे से। तो वहाँ पे गया, अच्छे से उन लोगों ने बात की, बात करने के बाद में जब मैंने उन लोगों को बताया कि मेरे पास में एक गिफ्ट वाउचर है उसको मुझे रिडीम करना है, तो जो उनका व्यवहार था जैसा पहले था, जैसे उन्हें लगा होगा कुछ बंदा ये शॉप करेगा अच्छे अमाउंट का शॉप करेगा, जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये हाँ वो क्या बोलते हैं गिफ्ट वाउचर रिडीम करने आया है, तो उन लोगों का जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा अलग हो गया, ये नहीं कहूँगा रूड हो गया या फिर गलत हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, जो जैसे वो मतलब आगे पीछे घूमने हम बोलते हैं ना, जैसे सुनना कि कोई भी बात या फिर आपको बार बार कोई प्रोडक्ट दिखाना है इस तरीके के वहाँ पे होते हैं ना ऑफलाइन में आपके पीछे पड़े रहना, ये ले लो सर ये ले लो सर ये ले लो सर, इस तरीके से अगर मैंने वहाँ पे ये बोल दिया मुझे गिफ्ट कार्ड रिडीम करना है, तो वो लोग हैं ना फिर उन लोगों ने इतनी ज़्यादा सिरदर्दी नहीं ली, वो अपने आप ही आप खुद से पसंद कर लो जो भी पसंद करना है या जो भी लेना है, इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा मेरा। ठीक है ये तो हो गया नॉर्मल जो कि हर किसी के साथ में होता है, जाहिर सी बात है ये लोग जो वहाँ पे एम्प्लॉई लगे होते हैं इन लोगों का क्या होता है, ये चाहते हैं कि कैश में पेमेंट आदमी करे, और कैश में या फिर कार्ड वगैरह UPI वगैरह से। ये जो गिफ्ट वाउचर के जो ऑफ़र होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी देती है, ये लोग नहीं देते हैं, जो एम्प्लॉई होते हैं ये लोग नहीं देते हैं, जो कंपनी होती है जैसे बाटा है नाइकी है एडिडास है किसी भी ब्रांड का आपने गिफ्ट वाउचर लिया है तो ये, या फिर कोई भी ऑफ़र चल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी कोई ऑफ़र चल रहा है वो वेबसाइट दे रही है ऑनलाइन से, बड़ी वेबसाइट जो जिसका नाम है वो वेबसाइट दे रही है। जो एम्प्लॉई होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई बंदा आया है तो उससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ठग सकते हैं या ले सकते हैं या फिर उससे मतलब जो प्रोडक्ट है जितना महंगा दे सकते हैं दे देना चाहिए, तो इस तरीके का ही वहाँ पर रहता है माहौल। आपके साथ भी यही होगा अगर आप जाओगे, तो हो सकता है कुछ बहाने बनाएं या फिर कुछ ऐसे ही कुछ कहें कि ये नहीं होगा ये
नहीं होगा, ये होगा वो होगा, इस तरीके से बहलाने की कोशिश करेंगे कि आपका जो गिफ्ट वाउचर है वो कुछ किसी ना किसी बहाने से रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर आपको जानकारी नहीं है। मैं क्या था वहाँ पे जाने के बाद में मैंने उनसे जब बोला कि मुझे गिफ्ट वाउचर रिडीम करना है तो वो बोले कि कौन सा गिफ्ट वाउचर है। एक्चुअली तीन तरीके के गिफ्ट वाउचर होते हैं शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे, तो तीन तरीके का क्या होते हैं वो समझ लो, थोड़ा आपको भी जानना ज़रूरी होगा क्योंकि अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी ज़रूरी हैं। तो तीन तरीके में सबसे पहला तरीका होता है ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर। ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि अगर आपने फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर ख़रीदा है तो फ्लिपकार्ट का होगा, अगर किसी ब्रांड का स्पेशली ख़रीद रहे हो जैसे एडिडास का ख़रीद रहे हो, नाइकी का ख़रीद रहे हो या फिर प्यूमा का ख़रीद रहे हो गिफ्ट वाउचर, तो आप लोगों को उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जाके वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, उन पे वहाँ पे वेबसाइट पे जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा, चाहे वो 50% चल रहा हो, 5% कितने भी परसेंट डिस्काउंट चल रहा हो, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो गिफ्ट वाउचर आपने ख़रीदा है कहीं से भी कितने भी डिस्काउंट रेट पे ख़रीदा होगा तो वो भी ऐड कर दोगे तो वो एक्स्ट्रा वो हो जाएगा आपका फ़ायदा। तो इस तरीके का ये ऑनलाइन वाउचर हो गया गिफ्ट वाउचर। अब दो बचे, दो में से ये एक हो गया ऑफलाइन वाला। ऑफलाइन वाले में क्या होता है आप ऑफलाइन ही यूज़ कर पाओगे इस वाले गिफ्ट वाउचर को, यानी कि ये ऑनलाइन यूज़ नहीं होगा। और इसमें आप लोगों को एक गिफ्ट कार्ड नंबर मिलता है, एक पिन मिलता है, इन दोनों में मिलेगा आपको, गिफ्ट कार्ड पिन और नंबर दोनों में मिलेगा। लेकिन ये ऑनलाइन यूज़ के लिए होगा, ये ऑफलाइन यूज़ के लिए होगा। ऑफलाइन यानी कि किसी शॉप में जाओ, जिस भी ब्रांड का आपके पास में गिफ्ट वाउचर है उसके शॉप में जाओ, जाने के बाद में उसको रिडीम कर लो। जितने रुपये का आपका गिफ्ट वाउचर है, मान के चलो 500 रुपये का है, तो 500 रुपये का कुछ भी प्रोडक्ट वहाँ से ख़रीदोगे तो 500 रुपये ये गिफ्ट वाउचर दे दोगे पिन और नंबर, तो आपके 500 रुपये डायरेक्टली लेस हो जाएंगे। अगर जो प्रोडक्ट आपने पसंद किया वो 700 रुपये का है तो 500 रुपये इसमें से लेस हो जाएंगे गिफ्ट वाउचर में से, 200 रुपये आपको पे करने होंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, दो तरीके के ये हो गए। और तीसरा तरीका ये होता है कि एक ई पे वॉलेट होता है। ये क्या होता है, एक गिफ्टर नाम की वेबसाइट है, गिफ्टर का एक ई पे वॉलेट होता है। ई पे वॉलेट इसमें हर ब्रांड के अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने बाटा का आप लोगों को दिखाया तो बाटा का अलग होगा, बाटा के अलावा प्यूमा, एडिडास, जो भी यहाँ पे ब्रांड होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं, सबके एक वो होते हैं गिफ्ट वाउचर जिन्हें आप ले सकते हो। और गिफ्ट वाउचर क्या होते हैं, वो ई वॉलेट में एक्टिवेट हो जाते हैं। अब गिफ्टर का क्या है, मैंने मैजिक पिन से लिया था तो गिफ्टर और मैजिक पिन का टाई अप है, आपस में मिल के ये लोग एक ई पे करके वॉलेट होता है इन लोगों का। ये क्या होता है, मोबाइल नंबर में ही होता है, मोबाइल नंबर में अटैच होता है। तो ये जो मैंने बताया जो दो अलग अलग तरीके के गिफ्ट वाउचर होते हैं उनमें आप लोगों को पिन भी मिल जाता है और एक गिफ्ट वाउचर नंबर मिल जाता है, 16 अंक का या 12 अंक का इस तरीके का, तो वो भी मिल जाते हैं, दोनों चीज़ें मिल जाते हैं। तो वो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर यूज़ कर सकते हो। जो थर्ड नंबर का होता है ई पे वॉलेट, इसको आप क्या है, आपको पास में ना तो कोई नंबर होगा और ना ही कोई पिन होगा, यानी कि गिफ्ट कार्ड का नंबर भी नहीं होगा, पिन भी नहीं होगा, सिर्फ ये आपके जो मोबाइल नंबर है उसी में ऐड कर दिया जाता है। ई पे वॉलेट बोलते हैं इसको, ई पे वॉलेट बैलेंस। तो ये जो गिफ्ट कार्ड था मेरे पास में, ई पे वॉलेट वाला ही गिफ्ट कार्ड था, तो वो क्या था उसमें कोई वो कार्ड नंबर, गिफ्ट कार्ड नंबर और कोई पिन नंबर तो था नहीं मेरे पास में, ई पे वॉलेट था तो मेरे बैलेंस में ही था, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी उन लोगों को समझाने के लिए। लेकिन हाँ, ये लोग मान गए थे कि हाँ 300 रुपये का बैलेंस आपके मोबाइल नंबर पे पड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर पे इट मींस ई पे वॉलेट में वो पड़ा हुआ था मेरे बैलेंस बाटा के ई पे वॉलेट में। इसी तरीके के हर ब्रांड के अलग अलग टाइप के ई पे वॉलेट होते हैं, तो उनमें अलग से पड़े होते हैं, उनमें कोई गिफ्ट कार्ड नंबर नहीं होता है, जो आपका मोबाइल नंबर होता है जहाँ से आपने ख़रीदा है, जैसे गिफ्टर पे आपका मोबाइल नंबर कोई ऐड करके रखा हुआ है, आपने ई पे वॉलेट ख़रीदा बैलेंस वहाँ से 300 रुपये या फिर 1000 रुपये का, तो वो आपके मोबाइल नंबर में ही ऐड हो जाएगा। जब आप उस स्टोर पर जाओगे, जैसे कि रिलैक्सो की है, बाटा की है, प्यूमा की है, किसी भी ब्रांड का ई पे वॉलेट बैलेंस आपने ख़रीद के रखा हुआ है 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, अगर आप उस वो स्टोर में जाके उनको वही वाला नंबर जो वहाँ पे आपने ख़रीदा है, गिफ्टर में रजिस्टर है या फिर मैजिक पिन में रजिस्टर है, उसी वाले नंबर को आप वहाँ पे बताओगे, एक OTP आएगा, वो लोग OTP भेजेंगे, OTP भेजने के बाद में कंफर्म हो जाएगा और आपका जो बैलेंस होगा वो कट जाएगा। इस तरीके से मैंने 300 रुपये का ये प्रोडक्ट लिया था। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे वो बहुत ज़्यादा वो नहीं थे। लास्ट में जब मैं वहाँ से निकल के आ रहा था तो उन लोगों ने क्या था, बैग जो होते हैं ना, कैरी बैग, ज़्यादातर क्या होते हैं जो कंपनीज होती हैं वो बैग तो देती ही हैं, जाहिर सी बात है, जब
रहा हूँ, उनसे मैंने एक बैग मांगा। हालांकि दिल्ली में पेनी पिन्नी वगैरह मना है, इतनी ज़्यादा मना भी नहीं है, चलती हैं ज़्यादातर एरिया में चलती हैं, लेकिन उन लोगों ने बैग भी नहीं दिया था। बैग नहीं दिया था इसकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ अच्छा नहीं लगता है जब मान के चलो इतना बड़ा ब्रांड है और एक रुपये एक बैग के लिए वो लोग मना कर रहे थे। हालांकि मैंने मांगा था उनसे, पूछा कि बैग क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो बोले कि जो बैग होते हैं, जो कैरी बैग होते हैं जिनमें सामान लेके जाते हैं, जो भी जूते चप्पल वहाँ से खरीदेंगे, वो उसके लिए 5 रुपये चार्ज करते हैं, तो 5 रुपये दे दो मुझे। मैंने बोला 5 रुपये नहीं दे रहे हैं मुझे, ऐसा ही दे दो, मैं ऐसा ही ले आऊँगा। तो उन लोगों ने ऐसा ही दे दिया था, बोले 5 रुपये अगर हैं तो मतलब दो। हालांकि मेरे पास 5 रुपये थे, 5 रुपये भी नहीं होंगे वहाँ पे जाऊँगा तो, लेकिन मैंने वो जो कैरी बैग था वो नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी बताना था कि बाटा में ऐसा होता है, अगर आप जाओगे तो कैरी बैग के लिए भी आप लोगों को 5 रुपये पे करने होंगे, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है एक ब्रांड के लिए। अगर आप किसी से कैरी बैग के लिए अलग से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो और जो प्रोडक्ट हैं वो आप लोगों को MRP पे बेचने हैं, ऑनलाइन अगर आप MRP पे कभी भी नहीं बेच सकते, किसी भी हाल में नहीं बेच सकते। 300 रुपये की जो स्लीपर मैं लेके आया हूँ, ऑनलाइन आप लोगों को नहीं बेच पाओगे, कहने का मतलब ये है। तो ये लोग हैं ना ऑफलाइन वाले, यानी कि जो एम्प्लॉई वहाँ पे होते हैं, उन लोगों का क्या होता है, रूड बिहेवियर होता है। तो वहाँ पे जाके आपको हो सकता है जब आप ऑफलाइन में कोई गिफ्ट वाउचर रिडीम करने जा रहे हो तो थोड़ी बहुत बहस भी करनी पड़े, थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना भी पड़े, क्योंकि हर इंसान है ना अलग अलग खोपड़ी का होता है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा करने का ही मन हो शायद उन लोगों का। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनसे बहस भी करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में गिफ्ट वाउचर है कोई भी, चाहे ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन यूज़ कर लो, ऑफलाइन वाला है तो ऑफलाइन यूज़ कर लो, अगर आपके पास में ई पे वॉलेट है तो ई पे वॉलेट आपका मोबाइल नंबर दोगे वहाँ पे तो आपका रिडीम हो जाएगा और इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो यही था मेरा सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में बता दिया। अभी अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ऑफलाइन स्टोर का या ऑनलाइन स्टोर का सस्ता गिफ्ट कार्ड मिले तो उसको आप परचेज़ कर लो, और उसके बाद में अगर ऑनलाइन का है तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ले लो, यानी कि रिडीम कर लो उसको। अगर ऑफलाइन का है तो ऑफलाइन में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑफलाइन है भाई वहाँ पे होगा या नहीं होगा, हो जाते हैं रिडीम, बस ये है थोड़ी बहुत बहस करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत उन्हें सुनानी पड़ती है, उनकी सुननी पड़ती है, ये सब होता है ऑफलाइन में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस ये है फ़ायदा होना चाहिए आप लोगों का। इन जनरल बात ये होती है घुमा फिरा के कि आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत बहस भी हो रही है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं होता है। हाँ, मैंने 300 रुपये का जो गिफ्ट कार्ड था 50 रुपये में ख़रीदा था तो 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, कई सारे ऐसे ऑफ़र आते रहते हैं तो वो मैं आप लोगों को रेगुलरली बताते रहता हूँ। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आगे कोई ऑफ़र आएगा तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी के लिए जो मैंने ये ऑफ़र बताया है या फिर ये जो बाटा वाला ऑफ़र बताया था वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो देख लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो ऑफलाइन या ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर को यूज़ करने में, कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में नीचे पूछ सकते हो। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहना।